देखिए, सबसे पहले तो सर बता देना चाहते हैं कि जब समाज की जाति की रचना हुई थी ना, तो जाति की रचना होने के दौरान आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि जाति को चार भागों में बांटा गया था, जो चार श्रेणियों में विभाजित किया गया था, उन किसके आधार पर विभाजित किया गया था? कर्म के आधार पे। यू नो आई फील डिड बेस्ट, ऑलवेज रिमेंबर। अब इसमें थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, जो पूजा पाठ करे अर्थात जो पढ़ाई लिखाई का कार्य करे, वो कोई भी हो, ठीक है, वो कहीं से भी आया हो, किसी भी वर्ग का हो, वो ब्राह्मण होगा। जो पूजा पाठ करेगा वो ब्राह्मण होगा। और इसके साथ ही साथ जो बॉर्डर पे है, देश की सुरक्षा के लिए तैनात है, या जो पुलिस में है, या पुराने जमाने में क्षत्रिय, पुराने जमाने में सैनिक लोग होते थे, वो सारे कहलाते हैं क्षत्रिय। दूसरी जाति क्षत्रिय। अब तीसरी जो जाति है, वो तीसरी जाति होती है जो खरीद बिक्री करती है, लेन देन करती है, रुपए पैसे का कारोबार करती है, वो जाति कहलाती है वैश्य। अब थोड़ा सा हम लोग और आगे चलते हैं, चौथी जो जाति है वो जाति है जो गंदगी को साफ करते हैं, जैसे ईश्वर गंदगी को का नाश करते हैं, सफाई करते हैं, वैसे ही हरि जन हरि का कार्य संपादित करते हैं, जो सफाई अभियान से जुड़े हुए वो चाहे कोई भी हो, वो कहलाते हैं हमारे शूद्र। अब ये कर्म के आधार पे हुआ था, कर्म के आधार पे, जिसको जो काम पसंद है, जितनी योग्यता है उसके अनुसार वो अपने जाति का निर्धारण कर ले। लेकिन अब ये जन्म के आधार पे हो गए, जन्म के आधार पे, नाम के आधार पे, जो बड़ी विडंबना है, बहुत ही बड़ी विडंबना है, और इसमें बहुत बड़ा दिक्कत है, बहुत ही बड़ा दिक्कत है, यहीं से कलेश का जन्म हो जाता है। जब जन्म की प्रधानता होगी तो कलेश का जन्म होगा, कर्म की प्रधानता होगी तो सुखद अनुभव होगा, संतुष्टि की अनुभूति होगी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, किसी चाहे कोई दास हो या पासवान हो या कोई भी हो या तेली ही क्यों ना हो, अगर वो बॉर्डर पे है तो क्षत्रिय है। अगर कोई भी किसी भी कास्ट का हो, सावजी ही क्यों ना हो, अगर वो ध्यान देने का कार्य करते हैं तो वो ब्राह्मण होने चाहिए, क्योंकि मानव जीवन कर्म प्रधान होते हैं, तो कास्ट की रचना कर्म के आधार पे हुई थी, ठीक है। लेकिन कास्ट की रचना लोगों ने अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए और दूसरे का भावनाओं का दमन करने के लिए जन्म के आधार पे कर दी, ठीक उसी